प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो पटना एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता पहुंचकर यहां पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे जदयू के कार्यकर्ता। हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसके पहले को नमन करेंगे। जय बजरंगबली, जय नीतीश जी, जय मोदी। बहुत उत्साहित हैं और नीतीश जी के कार्यों का, कामों का, और मोदी जी का भी जो थोड़ा सा है, जो कहे नीतीश जी करते गए, और बिहार में एक प्रचंड जनता दल ये कर दिया 12 को ही। और एक 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 चीज़ और, हम इसके लिए भी हम पेपर के माध्यम से हम जानते हैं, जनता दल को संसदीय दल के नेता दोनों सदनों में बनाया गया। देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार को समर्थन दिया है और बनाया है, ये तीसरी बार, इसलिए अपने नेता के स्वागत में मैं खड़ा हूँ कि आपने राजहित और राष्ट्रहित का बात किया। आपको बहुत बहुत बधाई, और आने वाला दिन में राज को और राष्ट्रहित का रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। क्या नाम लिखा है? सुरेंद्र प्रसाद यादव। देखिए, ये सुरेंद्र जी हैं, साथ ही अगर हम कहें तो कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहे कि सरकार बनाने में, केंद्र में मोदी सरकार बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो सैकड़ों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुँचकर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए हैं। कुंदन कुमार, ETV भारत, पटना।